निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे कल के लिए और जानेंगे ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से कहाँ पे बन रहा है, और उसके बाद जानेंगे टिप क्या निकल के आ रही है कल के लिए, जिसकी मदद से आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। चलिए देख लेते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे लेवल मार्क किए हुए 18,733 और 18,649 का जो लेवल है ये हमारे लिए सपोर्ट की जैसे काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है तो ये सपोर्ट बनेंगे दोनों लेवल। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है यहाँ से कहीं से गैप डाउन ओपनिंग होगी अपसाइड निकलती है तो ये लेवल रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों। और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाता है निफ्टी में इस तरह से प्राइस एक्शन बन के ब्रेक होता है तो हम अपसाइड के लिए जो है 1:2 का टारगेट अचीव करेंगे। क्योंकि आप देख पा रहे हैं आज के दिन में मार्केट अपसाइड निकली है लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट था अपसाइड जाने के लिए। तो जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई लगाती है तो जो है स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, तो हमें जो है टारगेट छोटे ही रखने चाहिए जब मार्केट ऑल टाइम हाई लगाती है। गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है तो ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट रहेगा पहला 18,649 का, दूसरा सपोर्ट रहेगा 18,587 का लेवल। अगर गैप ओपनिंग होकर समझ लीजिए फ्लैट ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है तो भी ये हमारे लिए सपोर्ट ही बनने वाला है। गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है तो ये लेवल पहला सपोर्ट बनेगा हमारे लिए 18,733 का लेवल। तो ये निफ्टी के एनालिसिस थी लेवल थे, आप अपने मार्क में चार्ट करके आप अपने चार्ट में मार्क करके रख सकते हो। बैंक निफ्टी का देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैंने लेवल मार्क किए हुए हैं 44,301, 44,148 और 44,027 के लेवल है। अगर बैंक निफ्टी गैप ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा 44,301 का, दूसरा सपोर्ट है 44,148 का लेवल। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है पहला सपोर्ट 44,148 हो जाएगा, दूसरा सपोर्ट 44,027 का लेवल होने वाला है। बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर अपसाइड निकलती है तो ये लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा जो है 44,301 का। अगर 44,301 ब्रेक हो जाता है प्राइजेक्शन बन के तो ऊपर के लिए हमारे पास जो लेवल निकल के आ रहा है ये लेवल है 44,500 का, लेकिन हम 1:2 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं आता तो आपको 1:2 का ही टारगेट अचीव करना है, क्योंकि हो सकता है कल के दिन भी अगर बैंक निफ्टी अपसाइड निकलती है तो स्लोली स्लोली निकल सकती है। आपका जो टाइम डिके हो सकता है कल के दिन जो है टाइम डिके बहुत ही स्पीडली होता है। तो ये एनालिसिस से दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड आती है ये लेवल पहला सपोर्ट रहेगा, ये हमारा दूसरा सपोर्ट रहेगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है बैंक निफ्टी तो अगला जो हमारा टारगेट होगा 40,900 का लेवल होने वाला है। यहाँ तक ये मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी दिखा सकती है अगर ब्रेकडाउन हो जाता है 44,027 का। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन चेन डेटा क्या कह रहा है। ऑप्शन चेन डेटा में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कल के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन के निकल के आ रहे हैं। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा ओपन कर रखा है मैंने, निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 18,726 पे, और अगर हम यहाँ पे OI देखें तो हमें मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सबसे अच्छा और बढ़िया OI कहाँ पे बना है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। लाइव मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा जो है अपडेट होता रहता है तो लाइव मार्केट में आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, तो मैं वीडियो के जरिए यही आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से ऑप्शन चेन डेटा आप लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कितना बढ़िया आयो बना है ये लेवल पे और ये लेवल पे। जो लेवल है 18650 का और 18700 का जो लेवल है यहाँ पे बढ़िया सा आयो OI बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम ढूंढेंगे तो सबसे अच्छा OI जो है 18800 में मुझे नज़र आ रहा है, दूसरा जो है 18850 पे नज़र आ रहा है। तो ये जो लेवल 18700 और 18800 के बीच का ये लेवल हमारे लिए जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने वाले। ये जो लेवल है 18600 का ये भी मजबूत लेवल दिख रहा है दोस्तों मुझे। और यहाँ पे अगर हम देखें 18850 का लेवल 18900 का लेवल है, 18900 का लेवल भी बहुत ही मजबूत दिख रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक के जो लेवल है 18900 से लेके 18600 तक का ये हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने वाले हैं निफ्टी में। देख लेते हैं निफ्टी में कहाँ पे बन रहा है 18900 का लेवल। 18900 अगर हम फाइंड करें तो इसे थोड़ा सा स्क्वीज करना पड़ेगा तो हमें नज़र आएगा 18900 का लेवल कहाँ पे निकल के आ रहा है। यहाँ पे 18900 मुझे दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं 18900 का जो लेवल है ये वाला लेवल है। यहाँ तक निफ्टी सस्टेन कर सकती है अगर अपसाइड निकलती है तो, लेकिन मुझे लगता है स्लोली स्लोली अपट्रेंड में जाएगी, इसमें हमारा टाइम डिके बहुत स्पीडली होगा तो हमें जो है 1:2 का ही टारगेट लेना पड़ेगा अगर अपसाइड निकलती है।
18,600 का लेवल अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे 18,600 बन रहा है जहाँ पे मैंने ये सपोर्ट बनाया हुआ हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है निफ्टी यहाँ तक सस्टेन कर सकती है। अगर अप ट्रेंड में निकलती है तो ये हमारे लेवल है। अगर ये लेवल आप अचीव करना चाहते हो तो आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा और जो है ऑप्शन में ज़्यादा वेट नहीं करना है। जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है ऑप्शन में। अगर आप ज़्यादा वेट करते हो तो आपका टाइम डीके होता है, आपका कैपिटल डीके होने लगता है। और डाउन साइड मैंने बता दिया, ये सपोर्ट और ये सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही मजबूत निकल के आ रहे हैं निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग आया है वो है 44,275 का। और बैंक निफ्टी में OI हम देखें तो हमें मिल जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें सबसे ज़्यादा जो OI है वो हमें यहाँ पे ढूंढना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो लेवल है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सा OI बना हुआ है जो मैं बता रही हूँ, 44,000 का लेवल है। और नेक्स्ट हम अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ मुझे 168 यहाँ पे अच्छा खासा OI नज़र आ रहा है जो है 44,500 का लेवल। 44,500 का लेवल बहुत ही बढ़िया OI नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो लेवल है वो बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जैसे काम करने वाले। देख लेते एक बार बैंक निफ्टी में 44,500 का लेवल जो है यहाँ पे निकल के आ रहा है। और 44,000 का लेवल अगर हम ढूंढे तो यहाँ पे 44,000 का लेवल हमें मिल गया है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट मैंने बनाया हुआ है यही लेवल बैंक निफ्टी में सपोर्ट बन के निकल के आ रहा है। तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बैंक निफ्टी सस्टेन कर सकती है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है तो यहाँ तक आ सकती है बैंक निफ्टी कल के दिन, स्लोली स्लोली आ सकती है या हो सकता है फटाक से भी मूवमेंट दे दे एक ही कैंडल में। जैसे यहाँ पे बना हुआ है देखिए, एक कैंडल में भी मूवमेंट दे सकता है बैंक निफ्टी, या फिर स्लोली स्लोली जैसे कि आज के दिन आया था वैसे भी आ सकता है, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर डाउन साइड आती है, समझ लीजिए गैप डाउन अपने होकर डाउन साइड आती है, तो ये हमारे लिए सपोर्ट के जैसे काम करने वाला है 44,000 का जो राउंड फिगर लेवल है वो। तो यहाँ तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे बैंक निफ्टी में। चलिए देख लेते टिप क्या निकल के आ रही है कल के लिए। बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए रेडी हो रही है। आप देख पा रहे हैं, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो बैंक निफ्टी में हमें 44,600 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे कल के दिन के लिए ब्रेकआउट देती है तो। अगर ब्रेकडाउन देती है ट्रायंगल पैटर्न का, तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। तो ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन होने के बाद हमें 40,800 तक के भी लेवल देखने को मिल जाएंगे। पहला टारगेट हमारा यही रहने वाला है दोस्तों, 44,000 का लेवल जो राउंड फिगर लेवल है, ये हमारा पहला सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी में। चलिए निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में तो बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, सिर्फ हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं निफ्टी में भी एक अच्छा खासा पैटर्न बना हुआ है, चार्ट पैटर्न। और यहाँ पे अगर इस पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है अपसाइड, तो हमें निफ्टी में भी जो है ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। और अगर ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी डाउन साइड आ सकती है, 18,400 तक के लेवल हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। कल के दिन की बात करें तो निफ्टी में हमें 18,600 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे अगर डाउन साइड आती है इस चार्ट पैटर्न का ब्रेकडाउन करके। तो यही था दोस्तों टिप में। ऑप्शन चेंज था मैंने बता दिया, एनालिसिस मैंने बता दी। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना सीख सके, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और अपने लॉस को जो है धीरे धीरे रिकवर कर सके। उनको किसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू सो मच दोस्तों।